मॉर्निंग बच्चों, आज हम संस्कृत में तृतीय पाठ बलाद रुधिर विशिष्ट के नामक पाठ का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पिछले दिन पाठ को पढ़ा था, अर्थ समझा था, आज इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, एक पदे उच्चारण लिखा था, एक पद के द्वारा तब मैंने बताया शब्द, एक शब्द के द्वारा प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम को आश्रित, आज में हमने पढ़ा था, एक कस्मिन पद के विमुखा नाम महाजस्वी सिंह वसत ईश्वर अर्थात सिंह का नाम था विमुखा। प्रश्न पूछ रहा है, सिंहस्य नाम के आश्रित सिंह का नाम क्या था, एक पद में उत्तर देना है, दुर्मुखा। दुर्मुखा सिंह का नाम। दूसरा प्रश्न है, सिंह के शाम वधम करोति इष्ट, सिंह किसका वध करता था, बात में हमने पढ़ा है, ऐसा सदैव अपूर्ण अशुना वधम करोति इष्ट, हमेशा बहुत से पशुओं का वध करता है। उसमें है सिंह के शाम, ऐसे कयों के शाम बहुवचन में पता है, ठीक है, और उत्तर हमें इसमें अशुना। सभी पशु शेर के पास गए और बोले, महेंद्र प्रसिद्ध प्रसन्न होइए, कथम तो बताओ, सर्वे सब पशु ना कथम करो, किसी आपके सभी पशुओं को उत्तर है सर, तो सर्वे पशु आपके से निगम अच्छा नाम, इसलिए हो जाएगा सिंहस्य। सिंहस्य है ना, तो सिंहस्य सिंह सिंह उपस जले के अश्य का सिंह ने कुएं के जल में क्या क्या देखा, सिंह उपस जले अपरम सिंह करके क्या किया, गर्जनम गर्जना की जरूरत में उत्तर में गर्जना, कोई भी दूसरा शब्द है ऐसा मान करके गर्मुख ने गर्जना की और उस गर्जन की प्रतिध्वनि सुनाई, ऐसा पाठ में है। इस तरह पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द के द्वारा एक ही पद के द्वारा ही। और अब प्रश्न नंबर दो, दूसरा प्रश्न है, एक वाक्यांतरम लिखा था, एक वाक्यांतरम प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यांतरम प्रश्न पराक्रमशीला भवति,
दूसरा प्रश्न है, एक किताब कश्यप द्वारा समायाता एक बार इसका भेजना बाकी है। इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य के द्वारा देना। पहला प्रश्न है, कहा पराक्रम सेना होती, पराक्रमी कौन होता है? हिंदी में क्या होगा? संस्कृत में सिंह पराक्रमशीला भवती। उत्तर हो जाएगा सिंह पराक्रमशीला भवती, शेर पराक्रमी होता है। प्रश्न है, एक बार किस वाला समान आता, एक बार किसका दिल्ली वाली आई, एक बारा समान आता। उत्तर में होगा एक बार हिंदी में हमको मालूम है, खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। शशि कहा सिंहम एकस्य गहीरस्य कूपस्य समीपम अनयत। उत्तर होगा समीपम अनयत। सिंह
चुनाया, चुना माने बहुत आए, ना चुनिया, विगत एक तो बच्चा ना क्या रहूँगा चुनाया, सुना चुनाया, पीड़िता, आशीत, और अंतिम प्रश्न है एक बार सिंहस दर्शनस क्या होती है सिंह के दर्शन दर्शन की क्या होती है सिंह के गर्जना के प्रतीक बनी होती है उत्तर में सिंह से गर्जनस्य सिंहस गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति सिंह के गर्जन की प्रतिध्वनि होती है इस तरह इन प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर कर दिया और अब प्रश्न नंबर तीन प्रश्न नंबर तीन में शुद्ध अशुद्ध कथन है सही गलत बताना है प्रश्न नंबर तीन में शुद्ध कथन नाम समझता हूँ जैसे है शुद्ध कथन नाम समक्षम आम हम माने होता है आम संस्कृति के अर्थ में आता है अशुद्धि कितना नाम समक्षम अशुद्ध प्रथमा नाम शुद्ध कथनों के सामने आम आ और अशुद्ध कथन के सामने न लिखता है पहला उनका पशु नाम बताना करो किस पशूना पशु पशु प्रतिदिन सिंह से समीप तो शुद्धया पीड़िता आसीत् चेत् भुञ्जते सस्कारमार्गे
वस्तुतः अपरम सिद्धम अपदम शुद्धम न अपश्यत देखेंगे निम्न कथन में सही गलत बताना है। अगर सत्य कथन है क्वेश्चन में सामने आम लिखना है, अगर कथन असत्य है गलत है तो उसमें क्वेश्चन में सामने ना लिखना। पहला है दुर्लभ पशुनाम वधम न करोति किस्म, दुर्लभ पशुओं का वध नहीं करता। यह जो स्टेटमेंट है कथन है या गलत है इसमें ना। दूसरा है एक पशु प्रतिदिन कमेव संन्यास रूपम गच्छति किस्म, एक पशु क्रम से प्रत्येक दिन शेर के पास जाता था। यह कथन सही है इस देश में। आ तीसरा सिंहा तो छुपाया जितना आसीर शेर तो भूख से पीड़ित था। सही कथन है आम मुख्य में यहाँ पर हमें सस्य का मार्ग के वस्तुतः अपरम सिंहम न आवश्यक, खरगोश रास्ते में वास्तव में दूसरे शेर को नहीं देखता था। यह भी कथन सही है, उसने तो बहाना बनाया था, उसने कोई शेर को नहीं देखा था इसे यह कथन सही है। हाँ सस्य का दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य रूपस्य समीपम नयत, खरगोश शेर के गए खेत के पास ले गया। यह कथन भी ठीक है, इसमें भी आम चौथे प्रश्न में विलोम शब्दान योजित निर्देश है। विलोम शब्दान योजित विलोम शब्दों को जोड़ देना है। निश्चित मरणं
लंबे संपम हाँ, इस तरह बच्चों इन पदों को विलोम पद है, आपस में उनका उचित मिलान करना है। जैसे एक निश्चितम मरणम विलोके संगतम, हमें ब्रह्म जननम सिद्धतया भूतम अनेके निश्चितम, एक का विलोम पद होगा अनेके, ठीक है। निश्चितम का अनिश्चितम, मरणम में जननम, विलंबे में सिद्धतया, समीपम में दूरम, ऐसा निश्चितम में अनिश्चितम, मरणम में जननम, विलंबे में सिद्धतया, समीपम में दूरम, इस तरह का व्यायाम ये ठीक है विषय गलत करने का इसको हमने बता दिया और इसको हमने उचित मिलान हो गया। एक काम है कि निश्चितम में निश्चितम, दूरम में चलन और विलम में निश्चितता, समीपम में दूरम। इस तरह हमने तेरा पाठ का बड़ा विषय विशेषता बाद में दूसरे विशेषते नमक पाठ के अभ्यास का सिर्फ उस श्लोक को हल किया और इसका शेष भाग नेक्स्ट लेक्चर में।